नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरापिस्ट फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस एक ऐसा बीमारी है, ज़्यादातर ये खान पान के वजह से ही होता है। अगर किसी ने गलत खा लिया, गलत फूड खा लिया, तो उसके वजह से जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस होने का जो सिम्टोम रहता है वो आँखों में पीलापन आ जाता है, नाखून में पीलापन आ जाता है, स्किन में भी पीला पीला हो जाता है और थाम में भी पीला पीला आ जाता है, पेशाब भी पीला होता है। ये है, बाहर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सूजन या घाव या इन्फेक्शन हो जाने के वजह से ये जॉन्डिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और ब्लड में बिलीरुइन का मात्रा बढ़ जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि जॉन्डिस हुआ है। लेकिन आप अगर अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो आप अपने खुद, मतलब खुद डायग्नोस करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको जॉन्डिस हुआ है कि नहीं। सिंपल सा चीज़ है कि आँख देख लीजिए, वो पीलापन है। अगर पीला पीला है, आँख पीला है, कलर आँखों का कलर पीला है, तो जॉन्डिस हो सकता है। नाखून का कलर पीला होगा, पेशाब कलर, जितने बार आप पेशाब करने जाएंगे उतने बार पीला पेशाब होगा, तो आपको जॉन्डिस हो चुका है। तो अगर खुद डायग्नोस कर लिया कि आपको जॉन्डिस हुआ है तो आप ब्लड टेस्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिलीरुइन कितना रहे या कम रहे या ज़्यादा रहे, इससे जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा एलोपैथी वालों का होता है, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है जान के। आपको सिर्फ इसका ट्रीटमेंट जानना ज़रूरी है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट, मतलब घर में बैठ के ही नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं। डायग्नोस तो कर लिया कि आपका, हाँ आप मान लिया कि आपको जॉन्डिस हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल सा चीज़ मैं बताऊंगा। कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा। लगभग जॉन्डिस ठीक होने में समय लगता है 7 से 10 दिन तक, अगर सही से फॉलो करते हैं तो 7 से 10 दिन, और नहीं से 20 से 21 दिन तक लगता है। तो परहेज़ यहाँ पर ज़्यादा रहता है, सही से परहेज़ करना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेप है 3 दिन तक आपको फ्लू डाइट में रहना है। फ्लू डाइट क्या है, मतलब 3 दिन तक आप सॉलिड खाना नहीं खा सकते। नारियल पानी, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस पी के ही आपको रहना पड़ेगा। फ्लू डाइट क्या है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा फ्लू डाइट का। फिर भी मैं बता देता हूँ, नारियल पानी कम से कम आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7। 7 गिलास आपको नारियल पानी पीना है पूरा दिन में, और 7 गिलास तक आपको मौसमी का जूस पीना है। तो मान लीजिए इतना अगर ना भी पी पाए, मान लीजिए आधा भी पी पाए, जितना हो सके आप पी लीजिए। 1 गिलास नारियल पानी पीने में कम से कम 10 मिनट समय लगेगा, और 1 गिलास मौसमी का जूस भी पीने में कम से कम 10 मिनट समय लगेगा। गन्ने का जूस भी आप पी सकते हैं। गन्ने का जूस में आगे बताता हूँ गन्ने का जूस कैसे लेना है। तो यह हो गया 3 स्टेप फ्लू डाइट। अगर 3 दिन तक नहीं रह पाते हैं तो कम से कम 2 दिन तक आपको फ्लू डाइट में रहना है। फिर आपको जाना है DIP डाइट में। DIP डाइट क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपका वीडियो। -Plato, यहाँ पर कुक फूड नहीं चलेगा, मतलब 7 दिन तक आप कुक फूड नहीं खा सकते, सिर्फ आपको फल कच्चा सब्जी खा के ही 7 डेज आपको बिताना पड़ेगा। ये अगर आपने कर लिया तो 7 से 10 दिन के अंदर ही आपका जो जॉन्डिस है वो 100% क्योर हो जाएगा, मतलब बहुत ही आसानी से क्योर हो जाएगा। 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत होगा डाइट करने में, फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको एनर्जेटिक लो होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। और काढ़े में जो लेना है सुबह, हर दिन रोज़ जो काढ़े में लेना है जब तक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलेगा, तब तक आपको लेना है एलोवेरा जेल प्लस शहद। एलोवेरा जेल पौधा से काट के
वहाँ से 2 चम्मच एलोवेरा जेल निकाल के 2 चम्मच शहद मिला के आपको लेना है। साथ में लेना है आपके गन्ने का जूस, 1 गिलास गन्ने का जूस लेना है। इसके ठीक आधा घंटा बाद 1 गिलास गन्ने का जूस लेना है। गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाना है, गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाना है उसमें, गेहूं के दाने के बराबर गन्ने का जूस में, और फिर चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। फिर आधा घंटा बाद आपको जो लेना है यह है आँख का पत्ता। आँख का पत्ता किसी भी, आजकल सब जगह मिलता है, रास्ते के किनारे में आपको मिल जाएगा। आँख का पत्ता का जो छोटा छोटा पत्ता रहता है वो पत्ता लेना है, और केले को काट के छील के, छीनने के बाद काट के वो अंदर घुसा के चबा चबा के खा लेना है। तो ये 3 चीज़ आपको डेली सुबह करना है। फिर आपको फ्लू डाइट रहेगा तो फ्लू डाइट करना है, फ्लू डाइट के बाद DIP डाइट करना है। तो धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम 10 दिन के अंदर ही जॉन्डिस चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल खान पान पे आ सकते हैं। ध्यान में ये रखिए कि मतलब जैसे ही आप नॉर्मल खान पान पे आ जाइए तो थोड़ा सा ऑयली कम खाना होना चाहिए, मतलब ऑयली ज़्यादा नहीं रख सकते हैं आप, और ज़्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खा सकते, नहीं तो दोबारा जॉन्डिस लौट सकता है। कुछ दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, 5-7 दिन के लिए आपको लाइट ही खाना होगा। कुक फूड भी खाएंगे फिर भी आपको लाइट लाइट ही खाना होगा, हल्का खाना होगा, ज़्यादा नहीं खा सकते। भूख बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन आप कम ही खाइए लाइट खाना, ठीक है। तो ये अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉब्लम 10 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। चलिए, कुछ प्रश्न हैं जो मैं आंसर देने का पूरा कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है, मैं उसका जवाब देता हूँ। चलिए, माई सन एज 4 ईयर्स 5 मंथ, स्टूल में लिटिल ब्लड आता है, 3 महीने से चल रहा है, कैसे ठीक करें, प्लीज़ हेल्प। देखिए, अगर खून निकल रहा है स्टूल में तो डेली आपको क्या करना है, 100 ml पालक पत्ते का जूस पिलाना है बच्चे को खाली पेट में। साथ में रात में सोने से पहले 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला के आपको पिलाना है। और रात में सोने से पहले एनास में या एनाल में अच्छे से एलोवेरा जेल लगा दीजिए, ऊपर से अच्छे से एलोवेरा जेल लगा दीजिए। तो सुबह जो पोटी होगा वो थोड़ा सा नरम होगा, नरम होगा तो ब्लड भी नहीं निकलेगा, और अंदर से भी ये जो पालक का पत्ते का जूस पियेंगे तो वो अंदर से जो इन्फेक्शन या घाव हुआ है उसको धीरे धीरे ठीक कर देगा। तो आप पालक के पत्ते का जूस सुबह खाली पेट 100 ml पिलाना है, और रात में सोने से पहले त्रिफला पाउडर का काढ़ा पिलाना है, और एलोवेरा जेल एनास में अच्छे से लगाना है, ठीक है। तो ये अगर आपने कर दिया तो आपका बच्चा का प्रॉब्लम सॉल्व। दूध मत पिलाइए बच्चे को, दूध अगर दूध से जितना दूरी बना के रखेंगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो खून भी कभी नहीं रुकेगा। तो दूध से जितना दूरी बना के रखेंगे उतना ही आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, और दूध के बारे में मैं अभी उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाद में किसी वीडियो में दूध के बारे में अच्छे से आपको एक अच्छा वीडियो बना के दूंगा कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, ठीक है। सर, मेरा आँख दर्द करता था तो मैं जंगल गया था, वहाँ से चश्मा का बोला है, आप बताइए चश्मा लगा लें या कोई उपाय बताइए। यहाँ जंगल जाने का मतलब है हॉस्पिटल गया था, ठीक है। तो बाकी व्यूअर्स के लिए बता दूँ मैं, ये जंगल का मतलब है हॉस्पिटल, और वहाँ पर चश्मा लगाने के लिए बोला है। तो देखिए, चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 3 स्टेप बताता हूँ, अगर सही से आप फॉलो करते हैं तो चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो पावर है वो वापस आ जाएगा। तो 3 स्टेप क्या क्या है, पहला स्टेप है आई रोटेशन एक्सरसाइज, मतलब आई रोटेशन, आई को रोटेशन करना पड़ेगा,
लेफ्ट टू राइट, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, जैसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 10 बार, फिर उल्टा 1 2 3 4 ऐसे 10 बार 10 बार आपको करना है आई रोटेशन, मतलब आई को घुमाना है। इसके बाद है आपको नेक रोटेशन, 1 2 3 ऐसे आपको 10 बार घुमाना है, फिर उल्टा 1 2 3 ऐसे 10 बार घुमाना है, फिर शोल्डर रोटेशन 1 2 3 ऐसे 10 बार घुमाना है आपको पीछे से, फिर आगे से 1 2 3 4 ऐसे आपको 10 बार घुमाना है। तो पहले क्लॉकवाइज 10 बार घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाना है। ये 3 स्टेप आपको डेली करना है, सुबह करना है और शाम को करना है। ये 2 टाइम आपको आई रोटेशन एक्सरसाइज डेली करना है, आई रोटेशन, शोल्डर रोटेशन एंड नेक रोटेशन। पहले आई रोटेशन, फिर नेक रोटेशन, फिर शोल्डर रोटेशन, ये 3 स्टेप आपको डेली करना है। तो आपका चश्मा जो पावर घटा है या बढ़ा है, कुछ भी हुआ है, तो वापस जहाँ था वहीं पर आ जाएगा 1 डेढ़ महीने के अंदर ही, अगर आप डेली करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माता जी को पूरे बॉडी में दर्द रहता है और सांस भी फूलता है, कृपया करके उपाय बताइए। देखिए, अगर पूरे बॉडी में दर्द है तो रात में सोने से पहले क्या करना है, रात में सोने से पहले घुटने से नीचे तक पानी होना चाहिए, गर्म पानी, इतना गर्म कि पैर जले ना, और इतना गर्म कि थोड़ा सा दिक्कत भी हो, मतलब शाम से ज़्यादा गर्म। ठीक है, तो पैर को आधा घंटा तक डेली डाल के रखना है, और एक काढ़ा आपको पिलाना है, 3 दिन तक आपको कैस्टर ऑयल पिलाना है, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के आप पिला सकते हैं, फिर 3 दिन के बाद चाय की तरह गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला के, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला के सिप सिप करके पिलाना है, कैस्टर ऑयल 3 दिन पिलाना है, फिर 3 दिन के बाद त्रिफला पाउडर 21 दिन तक पिलाना है, तो आपका जो मम्मी का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और लोअर लेग हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी में जो पैर डाल के रखते हैं, वो कम से कम 21 दिन तक कंटिन्यू करना है, रात में सोने से पहले, सब कुछ सोने से पहले ही करना है। ठीक है, ये अगर आप कर पाते हैं तो आपका मम्मी का काफ़ी हद तक, 1 हफ्ते के अंदर ही काफ़ी हद तक दर्द कम हो जाएगा। सर कुत्ता काट लिया तो घर पे कैसे ठीक करें? पहला चीज़ है, अगर स्ट्रीक डॉग ने काटा है तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्ट्रीक डॉग ने काट लिया तो मतलब जो रास्ते में जो कुत्ता रहता है उसने अगर काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, कि उसके उसमें रेबीज वायरस रहता ही नहीं है, पहला चीज़। और अगर पागल कुत्ता ने काट लिया तो इसका एक लंबा वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझाने के लिए, 7 दिन के अंदर ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी भी रहता हूँ, तो बिजी के वजह से मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉल आता है तो मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो मैं दोबारा कॉल बैक भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने कॉल रिसीव नहीं किया 1 2 बार कॉल करने के बाद, तो व्हाट्सएप में आप मैसेज भी कर दीजिए। ठीक है, मैसेज मैं पढ़ ही लूँगा तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। ठीक है, आई साइड में पास का नंबर बढ़ रहा है, चश्मा कैसे हटाएं? मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई 3 स्टेप है, आई रोटेशन एक्सरसाइज और नेक रोटेशन एक्सरसाइज और शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइज आपको डेली करना है सुबह शाम। मुझे जलन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हर 2 3 दिन में ज़्यादा होता है, दवाई खा के ठीक होता है, फिर 2 3 दिन में जलन हो जाता है। देखिए, ये चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये इसका डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
तो आप एक काम करिए, मेरा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो नंबर से आप व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना जानकारी ले सकते हैं, और कंसल्ट भी अगर लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके कंसल्ट या फ़ोन करके भी कंसल्ट ले सकते हैं। कंसल्ट लेके आप अपना बीमारी को घर में ही ठीक करवा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रश्न जरूर पूछिए। मैं अगला वीडियो में पूरा कोशिश करूँगा उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।